नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बताना है ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से है। अब भाई समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो इनके बीच की दूरी भी समान होगी, पी क्यू के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, आर क्यू के बीच की दूरी, इन तीनों के बीच की दूरी समान होगी, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। सीधी सी बात है तो पी क्यू निकालते हैं, मतलब बीच की दूरी तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस का 1 सॉरी 6 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1, इसको मैं मिटा सकता हूं, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 और प्लस 4 तो 6 यानी 36 यानी हो जाएगा रूट 37। ओके पहला पी क्यू क्यू आर x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6 मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को हटाना, ये इतना आप समझ लीजिए, माइनस 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये भी सेम आर आर 1 और प्लस 36 ये भी 37, बस आर पी और निकल के आ जाए सही से। आर पी क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस का 7 और रहेगा प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2, देखो x2 माइनस x1 सॉरी आर पी, तो x2 ये रहेगा माइनस का x1 ठीक है, और y2 माइनस का y1 तो y2 माइनस y1, ऐसा करने से ये क्या है संभव होगा, उसके सिर्फ होने के लिए कंडीशन तो आप लोगों को ये फॉलो करनी पड़ेगी कि दोनों के दोनों एक ही जैसे हो, लेकिन ये नहीं हो रहे हैं, क्या है x2 समबाहु कह रहा है कि समद्विबाहु सॉरी समद्विबाहु कह रहा है, तो समद्विबाहु की कंडीशन को तो फॉलो करता है, ये रहेगा दो दुनी चार दस जीरो यानी कि रूट के अंदर चार रहेगा। देखो दो भुजाएं एक जैसी हैं, समद्विबाहु के लिए दो ही भुजाएं एक जैसी होना चाहिए, तो पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है रूट 37, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई इशू नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो अतः लिखना अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ओके इसी के साथ चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।